विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में श्रवण अष्टमी नवरात्रों में लाखों श्रद्धालुओं ने ज्वाला माँ की ज्योतियों के दर्शन किए और खूब जयकारे भी लगाए। इन नवरात्रों में श्रद्धालुओं के द्वारा चढ़ाई गई नगद राशि में पिछले श्रवण अष्टमी नवरात्रों से बढ़ोतरी हुई है। मंदिर अधिकारी बिशन दास शर्मा ने बताया कि इस साल ज्वालामुखी मंदिर में श्रवण अष्टमी नवरात्रों के दौरान लाखों श्रद्धालुओं ने ज्वाला माँ के लाइनों में लगकर दर्शन किए। इन नवरात्रों में मंदिर में श्रद्धालुओं के द्वारा कुल नगद राशि 37,83,091 रुपए, सोना 4 ग्राम 200 मिलीग्राम और चांदी 1 किलो 533 ग्राम और विदेशी करेंसी के रूप में इंग्लैंड 300 पौंड, सिंगापुर 2 डॉलर और कुवैत के दिनार भी ज्वाला माँ के श्रद्धा के रूप में अर्पित किए गए। मंदिर में पिछले वर्ष 2018 श्रवण अष्टमी नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं ने कुल 37,52,244 रुपए श्रद्धा के रूप में चढ़ाए गए, जिससे पिछले वर्ष के बजाय इस वर्ष 30,847 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इन नवरात्रों में मंदिर प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए सभी पुख्ता प्रबंध किए हुए थे, जिससे किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी नहीं हुई। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में श्रवण अष्टमी नवरात्रों के दौरान इस बार भी चढ़ावे में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाया। इस वर्ष मंदिर न्यास को श्रवण अष्टमी मेले के दौरान 1,64,01,801 नगद सोना 355 ग्राम 890 मिलीग्राम और चांदी 49 किलो 126 ग्राम 900 मिलीग्राम चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुआ, जबकि लुधियाना से आई एक समाज सेवी संस्था ने मंदिर में 2.5 किलो के चांदी के छत्र और 23 ग्राम सोने के माता के नेत्र और 15 ग्राम के माता जी का टीका और नथ चढ़ाई और साथ में चांदी की खड़ाएं मां के चरणों में अर्पित की। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष चढ़ावे में 13,981 की वृद्धि हुई है और सोने की चढ़त में इस बार कमी नजर आई है, जबकि चांदी में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले वर्ष मंदिर न्यास को चढ़ावे के रूप में 1,63,87,820 रुपए नकद, जबकि सोना 466 ग्राम 760 मिलीग्राम और चांदी 35 किलो 258 ग्राम 950 मिलीग्राम प्राप्त हुए। इस बार चांदी की चढ़त में 15 किलो 867 ग्राम 950 मिलीग्राम बढ़ोतरी हुई है, जबकि सोने की चढ़त में 110 ग्राम 870 मिलीग्राम की कमी दर्ज हुई है। ये जानकारी मंदिर न्यास के अध्यक्ष सुभाष गौतम ने पत्रकारों को दी। इसके अलावा मंदिर न्यास को श्रवण अष्टमी मेले के दौरान विदेशी मुद्रा के रूप में इंग्लैंड पौंड 25, ऑस्ट्रेलिया डॉलर 140, यूएसए डॉलर 26, यूरो 10, यूएई दिराम 120, कनाडा 30, रियाल 11 चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुए, जबकि श्रवण अष्टमी मेले के दौरान पंजाब के लुधियाना से आई एक समाज सेवी संस्था ने मंदिर में 2.5 किलो के चांदी के छत्र और 23 ग्राम सोने के माता के नेत्र और 15 ग्राम के माता का टीका और नाथ चढ़ाई और साथ में चांदी की खड़ाई मां के चरणों में अर्पित की। श्रद्धालुओं के द्वारा इस बार भी श्रवण अष्टमी मेले में दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाया गया। हालांकि श्रद्धालुओं की संख्या अपेक्षाकृत कम रही, लेकिन चढ़ावे में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लोक निर्माण विभाग स्वारघाट के विश्राम गृह में नैना देवी ब्लॉक कांग्रेस की विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता नैना देवी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रणजीत सिंह ठाकुर ने की। प्रदेश के पूर्व मंत्री व नैना देवी विधानसभा के मौजूदा विधायक रामलाल ठाकुर व प्रदेश सचिव विकास ठाकुर भी इस मौके पर विशेष तौर पर मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से अरुण शर्मा, जो कि प्रदेश कांग्रेस के सचिव पद पर तैनात हैं, उन्हें आज स्वारघाट में हुई नैना देवी ब्लॉक कांग्रेस की बैठक के लिए बतौर पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। पर्यवेक्षक अरुण शर्मा ने भी आज बैठक में हिस्सा लिया। पर्यवेक्षक अरुण शर्मा के साथ प्रदेश सचिव संजय भंडारी भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान पूर्व मंत्री व नैना देवी के विधायक रामनाथ ठाकुर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर पर प्रत्येक कार्यकर्ताओं को कार्य करना होगा, जिससे कांग्रेस पार्टी में फिर से नए युग का सूत्रपात होगा। ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने
छल और कपट की राजनीति के सहारे सत्ता पाई है, जो ज्यादा दिन तक नहीं चलनी है। देश के विकास के लिए कांग्रेस की कुर्बानी को देश कभी भी नहीं भुला सकता है। हमीरपुर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने राजकीय उच्च पाठशाला डुग्घा में टौणी देवी खंड की लड़कों की अंडर 14 खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में 39 विद्यालयों के 356 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर नरेंद्र ठाकुर ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उन्हें ठाकुर ने जीवन में स्वच्छता को अपनाने, नशे से दूर रहने और खेल भावना को अपनाने का संदेश दिया। स्कूल के रखरखाव बेहतर प्रबंधन को देखते हुए उन्होंने स्कूल को 11,000 देने का भी ऐलान किया। इस अवसर पर स्मार्ट वर्दी योजना के तहत विद्यार्थियों को वर्दियों का वितरण भी किया गया। स्थानीय ग्राम पंचायत के प्रधान रविंद्र पटियाल ने सभी खिलाड़ियों को शाम का खाना देने का ऐलान किया। इस मौके पर स्थानीय पाठशाला के मुख्य अध्यापक मनोज पाल सिंह परिहार ने स्कूल को 11,000 देने के लिए मुख्य अतिथि का आभार जताया।